अरे माइकवा जड़ी गो यार, खाई थे ना। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में वो प्रदेश में कोटे के भीतर कोटे के आरक्षण का मुद्दा उठाने जा रही है। इसके साथ ही ये भी फैसला किया गया है कि जेडीयू अब प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। जाहिर है जेडीयू के इस रुख के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर जेडीयू के अचानक उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में उतरने के पीछे सियासी प्लान क्या है। क्या यूपी की योगी आदित्यनाथ का खेल खराब करने के इरादे से जेडीयू यूपी में उतरने जा रही है। आपको बता दें कि वाराणसी, गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में सीएम नीतीश कुमार की जाति कुर्मी का बड़ा वोट बैंक है। माना जा रहा है कि इस जाति का वोट हाल के दिनों में भाजपा को मिलता रहा है, खास तौर पर जब तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में जेडीयू और भाजपा के रिश्तों में वो गर्माहट नहीं दिख रही है जो पहले के दिनों में थे। दरअसल इसकी वजह बिहार में जेडीयू को भाजपा के मुकाबले कम विधानसभा सीटें आना है। अप्रत्यक्ष रूप से जेडीयू इसके लिए भाजपा को ही जिम्मेदार मानती है, हालांकि कहीं भी बातों से स्पष्ट नहीं होती है। इस मामले पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू हमेशा से ही समाजवादी विचारधारा के साथ चलती है। किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, महिलाओं और मजदूरों के सवालों को लेकर जेडीयू हमेशा संघर्षरत रही है। ये तब भी था जब हम लोकदल में थे, ऐसा ही तब भी था जब हम जनता दल बने थे और ऐसा अब भी है जब हम जेडीयू हैं। केसी त्यागी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं के साथ हम पहले आगे बढ़ते रहे और वर्तमान में नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लिहाजा पार्टी का जो फैसला है वो एकदम सही है।